हेलो दोस्तों, ये देखिए इसकी जो सुई है ना, सुई जो है डब्बी में टकरा रही है और डब्बी में टकराने के कारण इसकी सुई की जो है नोक मुड़ जा नोक जो है इसकी ख़राब हो जाती है और सुई भी टूट जाती है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ पे लग रही है, ये है नी नीचे, ये डब्बी में लग रही है नीचे, डब्बी में और शटल में नीचे टकरा रही है। इसके कारण जो है क्या होता है, एक तो सुई की जो है नोक मुड़ जाती है, उससे जो है कपड़ा जो है ना सही से सिलता नहीं, क्योंकि उसके जो है कपड़ा का रेसा जो है खींच लेती है, और एक जो है सुई भी मुड़ जाती है और सुई टूट भी जाती है। ठीक है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सुई है, इसकी सुई जो है आगे से नोक जो है इसकी मुड़ चुकी है, इसलिए किसी काम की नहीं रही। ठीक है, इसकी जो है सुई बदलेंगे, नई सुई लगाएंगे और सुई को लगाएंगे सही, बिल्कुल सीधे तरीके से। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पीछे की साइड रखेंगे, और ये झीरी वाला हिस्सा, ये जो सामने झीरी है, ये रखेंगे सामने की साइड, और ये झीरी वाला, ये तो सामने की साइड, और ये जो गड्ढे वाला हिस्सा है ये पीछे की साइड। इसको ऊपर मिला के ऐसे मिला के लगाएंगे इसको सीधी बिल्कुल। ठीक है, और अब देखेंगे हमारी जो सुई है वो कितनी निकल रही है। सुई जो है काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, ये इतनी नहीं रहनी चाहिए। इसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये ऊपर से ये खोल लेंगे, फेस प्लेट मत्था होता है ना, ये खोल लेंगे। ये खोल लिया हमने, ठीक है दोस्तों। अब जो इसे नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ऊपर जो लिंक है ना हमारा सिलाई मशीन का, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे नीचे बिल्कुल बीच में, और इसका जो पेंच है ये पेंच खोलेंगे। ये पेंच खोलने के बाद हमारी जो सुई है शटल में, ये दिख रही होगी आपको नोक, ये ज़्यादा आ रही है नीचे, ये सिर्फ इतनी आनी चाहिए बस। हमारा जो है सुराख सुराख दिखाई दे, सुराख से जो पीछे का हिस्सा है ये ना दिखाई दे बिल्कुल भी। इसको यहाँ से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब जो है हमारी मशीन जो है सिलाई भी अच्छी करेगी, ना तो सुई मुड़ने की, ना ही सुई टूटने की, और ना नोक मुड़ने की। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका जो मत्था है ये लगा लेंगे, इसका काम निमट गया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहे। अब ये मशीन भी हमारी अच्छी चलेगी, देखिए पहले लग रही थी ना, आवाज़ भी कर रही थी ज़्यादा कट कट की। ठीक है दोस्तों।